शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वैसे तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ से सटे एक गांव की। यूं तो हजारों गांव की तरह ये भी एक गांव है, पर यहां की एक खास बात है कि यहां का हर इंसान कमीना है। ये पूरा गांव एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पूरे गांव के लोगों में मतभेद इतने हैं कि न्यूटन भी फेल हो जाए कैलकुलेट करने में। पर यहाँ के लोगों में एक चीज कॉमन है और वो है फ्रस्ट्रेशन। और उस फ्रस्ट्रेशन का रीजन है धीरज सिंह, जिनको प्यार से लोग धीरू कहते हैं। वैसे तो ये यहाँ के प्रधान साहब के बेटे हैं, पर इनको लेकर फ्रस्ट्रेशन के हालात ऐसे हैं कि इनको इनका बाप भी पसंद नहीं करता। धीरू को लेकर होने वाली फ्रस्ट्रेशन पूरे गांव में एक महामारी की तरह फैली हुई है। ये महामारी की जड़ है एक इमोशन जो धीरू और पूरे गांव के बीच कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, और उस इमोशन का नाम है प्यार। हमें माफ कर दो धीरू भैया, अब इस गांव में हम लोग कभी नशे का धंधा नहीं करेंगे। इस गांव में तो किया, आसपास के किसी गांव में भी नशे का धंधा किया तो हमारा एक रूल याद रखना, पहली बार हम समझाते हैं और दूसरी बार धमकाते हैं और तीसरी बार लती आते हैं। धीरू भैया, आपने 2-4 मिनट में ही ऐसा भयानक ट्रेलर दिखाया कि अब हमारा पिक्चर देखने का इच्छा ही मर गया। धीरू भैया अब हमें माफ कर दीजिए। राम राम भैया, अब हम लोग जाते हैं। अच्छा सुनो, क्या धीरू भैया मन नहीं भरा क्या? कहो तो हम लोग अगले हफ्ते फिर आ जाते हैं। कैसी बात कर रहे बाबू भैया, बचपन में खेले हैं हम तुम्हारी गोद में, सम्मान जो करते हैं हम आपका, ऐसे कैसे जाने देंगे? तो क्या करोगे भैया अब? जैसा कि हमने कहा था, ये भाई साहब हर कमीने को जितना प्यार करते हैं उतना मारा भी करते हैं। तो मार तो अब हो चुकी, अब ये धीरू भाई के प्यार का टाइम है। चल ठीक है,
ए, 5 तंदूरी चिकन लस्सी के साथ। अरे ये तो मार मार के खिला रहा है, कहीं खिला खिला के ना मारे। टेंशन मत लो, तुम लोग खाना खा लो, ये सारा खर्चा तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा। तनख्वाह से? हमारी जॉब कब लग गई? हाँ लग गई, हमारे खेत में। कल से टाइम से आ जाना, 350 रुपए रोज देंगे, और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें घर से उठा के ले आएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, इस गांव में मेहनत की रोटी खानी पड़ेगी, समझे? कई भैंस पानी। तब का दिन था और आज का दिन है, इन लोगों को यहाँ साल भर होने को आया, तो इस तरह से इस गांव का जो भी कमीना धीरू भाई के प्यार के चक्कर में फंसा फंसा ही रह गया कि यहाँ के लोग इनकी मार से नहीं, इनके प्यार से डरते हैं। अरे हाँ, प्यार से याद आया, ए, वो देख पारो जा रही है। अरे धीरू भैया, ये छोटी सी लड़की कब जवान हो गई ससुरा पता ही ना चला, जरा एक नजर उठा के देख तो लेते, काल लग रही थी, आंखें ठंडी हो जाती हैं आपकी। देख किशोर, गधा पच्चीसी ना करो, इस गांव की हर लड़की हमारी बहन जैसी है, और जब है तो कंट्रोल योर इमोशन। अरे धीरू भैया, हम भले ही उस लड़की को देख रहे हो पर हमारी नजर बिल्कुल भाई वाली थी। अब हमसे नहीं देखा जाएगा। मजनू के इमोशन में इमोशनल हुए धीरू भाई को माया ने ऐसा इमोशनल कर दिया कि उस इमोशन में माया में लैला और खुद में मजनू दिखाई देने लगा। कहानी पूरी फिल्मी हो गई थी और उसमें ट्विस्ट ये था कि जिस लड़की को इन्होंने गांव में हजारों बार देखा उससे इनको फर्स्ट साइड लव वाली फीलिंग आ गई। इस गांव में सबसे अमीर दो ही लोग हैं, धीरू भाई के पिता विजेंद्र सिंह और दूसरे हैं माया के पिता जगत राम। विजेंद्र सिंह इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं और जगत राम इस गांव के सबसे बड़े साहूकार। कौन ज्यादा अमीर है ये गांव में कोई नहीं जानता। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में दोनों दुश्मन बन बैठे। अभी अभी अखाड़े से आ रहा हूँ, दोनों चेहरे हमको बहुत चाहिए। हाँ चाह रहे, देखा बढ़िया है ना। क्या हुआ बे धीरू भैया? धीरू भैया, गांव की हर लड़की तो आपकी बहन जैसी है ना? है, इस गांव की हर लड़की हमारी बहन जैसी है, पर एक को छोड़ के। हाय, ये तो कमबख्त दिल पे सर्जी का स्ट्राइक करके चली गई। क्या बात है।
राम। ओ धनी राम। अरे सेठ जी। राम राम सेठ जी। अगले माह से सूद बराबर देते रहेंगे, इस माह हाथ जड़ तंग हो गया है। अच्छा। कोशिश बहुत किए लेकिन इंतजाम ना हो पाया। देखो धनी राम, तुम्हारे दरवाजे पे साहूकार आया है, खाली हाथ तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। तुम तो जानते हो नियम चला आ रहा है। और सुना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तुमको फ्री गैस कनेक्शन मिला है। हाँ, आपके बहू को पहुंचते ही ना आराम हो गया सेठ जी। नहीं, वो तो है, ये है, आराम तो मिलना चाहिए भाई। बस आपके अच्छा। ही कृपा है। जाओ उठा ले, गैस उठा ले अंदर। अरे सेठ जी, सेठ जी रोकिए ना, ये का करवा रहे। अरे अरे जल्दी पैसा लेके आ जाओ, समझे? 6, 9, 10। का हुआ भैया, आज भी नंबर ना लगा का तुम्हारा? हाँ भैया, आज भी जरा सा चूक गए। टेंशन ना लो, धनी राम नाम है तुम्हारा। अब पता नहीं कब आएगा, 5 साल से लगे पड़े हैं। और तो लेना चाहते हैं लॉटरी, पर तुम उधारी दोगे नहीं और कहीं से मिलेगा भी नहीं उधारी। हमारा दिमाग दौड़ाओ, कोई ना कोई तो होगा जो दे देगा। एक आदमी है जो दे सकता है। सर जी रोकिए। राम राम। हाँ राम राम धनी राम। और कैसा है, सब कुशल मंगल? माता रानी के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल ही होगा। है बीवी बच्चे? हाँ अच्छे ही होंगे, ढा कि नहीं। और हलचल कैसा है? नहीं, देखकर तो लगता बढ़िया ही है। यहाँ कैसे आना हुआ? लोगों से मिलने आया है। हाँ मिलो मिलो, जरूर मिलो धनी राम, लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी होता है। सुनो धनी राम, तू आदमी बढ़िया है, समझा ना? कोई और होता ना तो अभी जाते वक्त हमको टोक देता और अब शकुन हो जाता, ठीक है? बढ़िया रहो, ठीक है? हाँ चलो मिलते हैं हम। सर जी चलो, हमें कुछ बोलनी नहीं थी। धनी राम को एको अक्षर बोलने नहीं दिया, कहा इतना बोलते हो? अरे उसको बोलने देता तो वो अपना दुखड़ा सुनाने लगता, अब दुखड़ा सुनते तो उसकी मदद करनी पड़ती, अब मदद करनी पड़ती तो आंटी डीली करनी पड़ती। तो आंटी डीली नहीं ना करनी थी, समझी? और एक ये है, गन्ना चूसता रहता है, बाबला हो गया। धीरू भैया की जय हो। कैसा हो धीरू भैया? अरे हम तो ठीक है धनी राम, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है, काम धंधा कैसा चल रहा है? का बताए भैया, धंधा पानी तो बहुत ही मंदा चल रहा है। सुना है अमेरिका में वो का कहते हैं, अरे रिसेशन काका। हाँ वो चल रहा है। अरे चल रहा था पर अब नहीं चल रहा है। अब का बताए, आप लोग ठहरे बड़े आदमी, आप लोगों को का पता? अरे हम जैसे गरीब आदमी से पूछो, असर अब तक है। अच्छा धनी राम, घुमा फिरा के बात मत करो, साफ साफ बोलो बात क्या है। भैया हमको 20-30 हजार की अर्जेंट में जरूरत है, जो मिल जाए ना तो हमारी लाइफ सेट हो जाए। देखो धनी राम, 20-30 हजार रुपए हम तो ना दे पाएंगे, पर दिलाने की ना कोशिश पूरी करेंगे। भैया इस टाइम तो आप हमें काले चोर से दिलवा दो, पर दिलवा दो। अब काले चोर के पास ही लेके चलते हैं। जिस काले चोर की बात कर रहे हैं ना भैया, उससे तो हम पहले ही ले बैठे हैं। अरे धीरू है ना, चिंता मत करो, शाम को लेके चलेंगे। अच्छा भैया अच्छा। राम राम सिंह जी। का भाई धनी राम, बहुत बकैती आ गई है तुमको? जब एक बार हम मना कर चुके हैं तुमको, तो क्या गुंडागर्दी के बल पर दोबारा पैसे मांगने चले आए? कहे कि गुंडागर्दी चाचा, अपनी बिटिया को जरा बुलाओ, जरा पानी वानी पिलाए, गला बड़ा सूख रहा है, फिर बताते हैं। माया
अरे पानी ले आओ। कुछ बोलोगे? देखो चाचा, तुम्हारी दुश्मनी हमारे बापू से है, हमसे तो है नहीं। अरे हमारे बापू ने चाहे कुछ भी कहा हो, पर हमने आज तक चू नहीं की। इज्जत जो करते हैं हम आपकी। अरे बड़ा जमाना हो गया आपसे मुलाकात किए हुए, तो चले आए। हाँ पता है, हमको सब पता है कि मुलाकात करने आए हो कि मुकालात करने आए हो। कसम से चाचा, बड़ा दिल गया आपसे मिलने का, और इस पे ये धनी राम मिल गया। बड़ा मुसीबत में है ये, तभी हमने सोचा अगर इस पूरे गांव में कोई मदद करने वाला है तो हमारे जगत चाचा। और मेरी नजर में तो चाचा आप फादर टेरेसा हैं। कभी कभी अकेले में तो हम ये सोचते रहते हैं कि हमने जन्म यहां लिया होता और माया ने उधर। अरे धीरू भाई, माया वहाँ कहाँ, दोनों एक साथ जन्म ले लेते, माया को भाई मिल जाता। क्यों जगत सर जी? अरे चुप, पुदीने की पत्ती, इसीलिए नहीं ला रहे थे तुझे हम। बड़ा मुसीबत में है ये धनी राम, इसीलिए लिया, पुराना और नया हिसाब चुकाने के लिए। सुना है कि इसका कोई बड़ा काम लगने वाला है। देखो पैसा हम इसको दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, झोपड़ा और जमीन दोनों गिरवी रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, रख देंगे ना साहूकार जी, रख देंगे। वैसे एक बात बताएं, दिल नहीं है एकदम इसको पैसा देने का, ये लॉटरी खेलता है, तुम्हें नहीं पता है? हम है ना चाचा, हमारे कहने से दे दो। टाइम से इसने पैसा नहीं लौटाया ना, हम खुद ही जमीन खाली करा देंगे इसकी। सही कह रहे हो, ठीक है, कल सवेरे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। महंत जी, वाह भैया वाह, एक तुम ही हो जो नोट की शक्ल दिखाते हो, वरना तो इस थाली में 2 रुपए का सिक्का देखे महीनों बीत जाते हैं। बस महंत जी, एक बार भोलेनाथ की कृपा हो जाए। तुम पर कृपा न बरसे ऐसा हो सकत है का? घनघोर बारिश होगी, बस जिस तरह से तुम आए हो ना, हर हफ्ते आ जाए करो, ना करने करना, और चढ़ावा चढ़ाते रहना। समझते हो ना, प्राइवेट में महादेव से तुम्हारे लिए मांग ले। महंत जी, मन मांगा एक बार मिल जाए ना, जो हमेशा हम आपको देते आए हैं ना, उसमें एक 0 लगा देंगे। वाह भैया, फिर तो आज से तुम्हारे महादेव का जाप शुरू, और समझ लो अगले हफ्ते में तुम्हारी मन मुराद मांग पूरी। महन जी, अब तो रोज आना पड़ेगा दर्शन करने। हाँ हाँ, आना आना और 0 बढ़ाना। हाँ, प्रणाम महन जी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनके लिए जप कर रहे, तनिक हमारे लिए भी जप कर दीजिए। बहुत दिन से भोले बाबा के आगे अर्जी लगाई है कि हमें हवलदार से इंस्पेक्टर बना दे। देखिए ना, स्टार लगवाने की तैयारी भी की है। अबे हट, इस धीरू के लिए कौन जाप आप करने वाला है ना? काहे मान जी, मोटी पार्टी है, अटका के रखनी है।
रही बात अगले हफ्ते की, तो कोई ना कोई गणित बिठा के इससे 1,000 रुपया और इसकी आंटी से निकलवा लेंगे। ओम नमः शिवाय। बोले बाबा, अपना तो डायरेक्ट ही ठीक है, वाया में तो बहुत परेशानी है, तुम ही हो भोलेनाथ। मेरे घर आया था, बताया था ना, यहाँ पे दिखा मुझे अभी। अच्छा, मंदिर में? अरे चलो, तुम लोगों को छोड़ देते हैं। अरे इसके बाप के लठैतों ने तुम्हें देख लिया ना तो बोलेंगे तोड़ देते हैं। जरा हमारे ऊपर रहम खाओ और जरा साइड हट जाओ, थोड़ा इनसे बात कर लें जरा। ये नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, हमें तुमसे बात करने में कोई। अरे रुको रुको रुको, फिर क्यों हमें देख के स्माइल कर रही थी? अरे अब शक्ल ही ऐसी पायो कि देख कर ही हंसी आती है, तो ये क्या करे। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। अपनी लव स्टोरी को डायरेक्ट किया रे, सारों लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। हजारों लड़कों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। सिलेक्ट किया रे। हमको तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो। हम धीरू से प्यार करते हैं बापू। करो, किसने रोका है? बापू सच्ची? भगवान, मतलब हम बिना मतलब के परेशान हो रहे थे। अरे भाई, हम तुम्हारे बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है ना? हमको पता है बेटा कि आजकल तुम जिंदगी में अपने भाई की कमी महसूस कर रही हो। बापू कुछ भी मत बोलिए, आप जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ,
हम भी जानते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। वही लड़का मिला था पूरे गांव में, आवारा, पूरे गांव वालों से झगड़ता फिरता है, धमकी देता फिरता है। और किसका बेटा है ये मालूम है? अरे अब बापू, बेटा किसका ये देख के थोड़ी प्यार किए थे हम। बापू वो अच्छा लड़का। चुप रहो, कल से मिलना जुलना बंद उससे, आई बात समझ में? क्या? हाँ बापू, हम बोल रहे कि उससे प्यार करते, शादी करना चाहते हैं उससे। शादी तक कहाँ पहुँच गई तुम? नहीं करनी है शादी वादी उससे, शादी करना चाह रहे। वही लड़का मिला है, बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे, हम उसी से शादी करेंगे बापू। नहीं करोगी? हाँ। नहीं तो ठीक है, हम भी बता दे रहे, हमने शादी धीरू से नहीं करवाई ना, हम अपनी जान दे देंगे। अरे सुनो सुनो ए बिटिया, अरे सुनो बापू, हमें अपने ब्याह की बात करनी है। कैसा नालायक बेटा है, खुद अपने ब्याह की बात कर रहा है, वो भी बाप से। अरे अम्मा को बोलता, वो मेरे को बोलती। अम्मा से तो बात की थी, और अम्मा ने कहा तू खुद ही अपने बापू से बात कर ले। अच्छा बोल, कहाँ मुंह काला करके आया बेशरम, कौन है वो? हमें माया से ब्याह करना है। कौन? वो जगत राम की बेटी? हाँ बापू। मेरे दुश्मन की बेटी? अरे वाह बेटा वाह, प्यार भी किया तो दुश्मन की बेटी से, और तब आया है बापू के पास। अरे बेटा दूर क्यों खड़ा है, आजा आजा, बाप के गले लग जा, जा 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 जा। ए शाबाश, आज पहली बार तूने बाप के मन की बात की है। खोलो दरवाजा। अरे दरवाजा कहाँ बंद किया? यहाँ अंदर मिट्टी का तेल रखा हुआ है ना, जला रहे हैं खुद को। खोलो। नहीं खोलेंगे। माया खोलो, हम कह रहे हैं बेटा। हमने कहा ना नहीं खोलेंगे। अरे खोलो, अरे खोलो 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 बेटा, तुम्हारी जो मर्जी है करो, हम तुम्हारे बाप हैं, दुश्मन नहीं है। खोलो खोलो, अरे हम कह रहे हैं खोलो बेटा, अपनी मर्जी का करो। अरे खोलो। कहाँ है ये? खाना टक्कर रही थी। हमको बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी है? देखो झापड़ खींच के तुम्हें, बचपन से लेके आज तक जो है अपनी बात मनवाने के लिए धमकी देती आए हो तुम, लेकिन ये सब क्या है, मिट्टी का तेल छिड़क लेंगे। अरे जरा सी ऊंच नीच हो गई बेटा, आग लग जाएगी तो हम कहां जाएंगे? तुमको पता है, और तुम्हारी अम्मा को जाते समय हमने वचन दिया था बेटा कि हम तुम्हारी बिटिया की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, दिल नहीं दुखाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम हमारी जान ले लो ऐसा ये सब करके। देखो हम एक बार धीरू के लिए हाँ कर भी दें तो बेटा ये काहे भूल रही हो कि वो दुश्मन का बेटा है, और तुम उसके घर जाओगी तो वो दुश्मनी के चक्कर में तुम्हारा जीवन नरक बना देगा बेटा, हम बता रहे हैं। नहीं बापू, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरू भी अपने पिता को बहुत अच्छे से जानता है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखेगा बापू, और उसने खुद कहा है कि अपने बापू को भेजो रिश्ता लेके, बाकी सब वो संभाल लेगा। क्या हम जाएंगे उसके घर रिश्ता मांगने? हम नहीं जाने वाले, हम धीरू की बात मान रहे हैं, इतना काफी है। हाँ? उस विजेंद्र सिंह के घर हम नहीं जाएंगे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, वो बहुत प्यार करता है तुमसे, तो जाए अपने बाप से कहे, और बाप आए यहाँ पर रिश्ता मांगने, तुम्हारा हाथ मांगने, हम नहीं जाएंगे। बापू क्या ये रिश्ता मंजूर है क्या? अरे बिल्कुल, पहली फुर्सत में मंजूर है। बोलो साहूकार को, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरी चौखट पे आए। बापू तो तू नहीं चल सकता रिश्ता मांगने? अबे नालायक, ठाकुर हैं हम ठाकुर, उस जगत राम की चौखट पर हम तो क्या, हमारे पाँव की धूल तक ना जाए। बोलो साहूकार को कि हमारी चौखट पर आए और फैलाए अपनी झोली। उफ, अमरीशपुरी कहां से घुस गया इसमें? अरे यार माया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या बताती, बापू नहीं आने वाले रिश्ता लेके। इधर मेरा बाप तेरे बाप का इंतजार कर रहा है, कब वो उधर पहुंचे और उसको नीचा दिखाए, अपनी लव स्टोरी की तो बैंड ही बज जाएगी।
बैन बच जाएगी मतलब? तो अब क्या होगा? देख, एमी किया है मैंने, भाग चलते हैं। इधर मैं इकलौता, उधर तू इकलौती। साल भर के बाद खुद ही ढूंढते हुए आएंगे और नाती पोतों की शक्ल देख के सारी दुश्मनी भूल जाएंगे। अच्छा, तू तो पूरी प्लानिंग करके आया है। बुलेट खड़ी है बाहर और टंकी भी फुल है। अरे ये कहाँ है? तुमने तो कहा था कि महादेव की कृपा हो जाएगी तो एक जीरो बढ़ा दोगे। कृपा तो बरस रही है ना। इधर आइए ना महंत जी। क्या कृपा तो जरूर बरस रही है, पर अभी तक सूखे खड़े हैं, भीगे नहीं है। हम क्या मालूम है? आपने सुन लिया क्या? सूंघ लिया। हमको तेरी सारी बात समझ में आ गई है। तू टेंशन ना ले, मैं सब सेट कर दूंगा, बस तू एक जीरो बढ़ा दे। अच्छा, ऐसी बात है। प्रॉब्लम बड़ी है, 1000 के ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, बात तभी बनेगी। और कल शाम तक रिजल्ट ना निकले तो मेरा नाम बदल दे। इस गधे को देखो, शाम के वक्त कसरत कर रहा है, सुबह क्या झक मार रहा था। तुम भी अजीब हो, घर में रहे तो दिक्कत, ना रहे तो दिक्कत। प्रधान जी, जय महादेव। अरे महन जी, आइए 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 आइए। प्रणाम महन जी। जागरण का चंदा लेने आए हैं क्या? करें महन जी, इस बार व्यापार में बड़ा घाटा पड़ा है, हम दे देते, लेकिन आप आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। 11 रुपए तो जरूर देंगे हम। बात कराने के काम में भी कंजूसी। जरा हमको बोलने तो दीजिए प्रधान जी। 11 रुपए जगत राम जी की तरफ से माया का रिश्ता लेकर आया हूँ, स्वीकार कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये जगत राम नहीं आया क्या बात? नहीं नहीं, नहीं, उनके परिवार की परंपरा है कि पहले रिश्ता पंडित लेकर आता है, और एक बार रिश्ता तय हो गया तो फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा प्रधान जी। पर हमने तो ना सुनी ऐसी कोई परंपरा। हमने सुनी है बापू, और अम्मा ने भी सुनी है। अब हाँ हाँ, हमने भी सुनी है, सही कह रहा है। ज्यादा नाटक मत कर बापू, जहर की शीशी जेब में लेके घूम रहे हैं आजकल। घोड़ी पे चढ़ा दे वरना अर्थी पे लिटालना पड़ेगा बेटे को। एक झापड़ बहाने हैं। अरे देखो ऐसे मत चिल्लाओ, हमारे बेटे को कुछ भी हो गया ना तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। स्वीकार कर लो ना रिश्ता। अब बेटा तू टेंशन मत ले, तू कसरत किए जा, बड़ा अच्छा लग रहा है। चल। बच्चे हैं, समझा करो प्रधान जी। ठीक है, स्वीकार कर लो। जब आप लोग बोल रहे हैं तो स्वीकार लेते हैं। जय हो, जय महादेव। बापू, महंत जी आए हैं। महंत, जाओ जाओ जाओ, उसको बोलो कि अभी बापू जो हैं 1 साल से कर्जा नहीं दे रहे हैं, मंदिर जाए, वो पूजा पाठ करे जाके। हम कर्जा लेने नहीं, आपको दान देने का मौका देने आए हैं। कौन सा दान? कन्यादान। प्रधान जी ने अपने धीरू का रिश्ता माया के लिए भेजा है। कह नहीं आया हमारी चौखट पे, उससे बोलो पहले वो आए फिर होगा रिश्ता। ऐसा है कि उनके परिवार की परंपरा है कि रिश्ता पहले पंडित लेके आता है। अरे हटो। और एक बार रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। है, लगा रहेगा। हम भी ये गांव में रह रहे हैं सालों से, पता है कोई परंपरा नहीं है। अरे हम कह रहे हैं ना, आपका कोर्ट से लिखवा के लाए, परंपरा है क्या आप? बापू, ये मिट्टी का तेल इसी डब्बे में है ना? क्या देख रहे हो, लोग जो है बंदूक दिखा के अपना काम करवाते हैं, ये हमारी बिटिया मिट्टी का तेल दिखा के काम करवा लेती है। अरे तो बात मान लो ना तुम भी। अच्छा चलो, बोल दो जाके रिश्ता मंजूर है। आ, यो ही ना बात।
अरे भाई वो जगत राम जो है वो आया था हमारी चौकट पे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, और ये कहलवाया कि देखो अपने बेटिया से शादी करवाए दे हमारे बेटे की, नहीं तो हमारा बेटा मर जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, वगैरह वगैरह। पर आप तो सब जानते ही हैं हम बड़े कमजोर दिल के आदमी हैं। तो हमने कर दिया। हाँ ठीक है, तो फिर रिश्ता किसने भिजवाया पहले? प्रधान जी ने, हमने नहीं। लगवाए दें तेरी चाची के पीछे दो लौंडे पड़े, चाची के पीछे दो लौंडे पड़े, दो आगे लगे दो पीछे लगे, दो आगे लगे दो पीछे लगे, करौंदे के पेड़ ककरौंदे लगे, करौंदे के पेड़ ककरौंदे लगे। अरे चाचा मौसा तुम यहाँ से जाओ, यहाँ तो लंदन का सवाल है, आने दो लंदन को, जवानी की बात है। तेरी मामी के पीछे दो लौंडे पड़े, तेरी मामी के पीछे दो लौंडे पड़े, दो आगे लगे दो पीछे लगे, दो आगे लगे दो पीछे लगे, ये जगत बाबू अब हम दोनों बन गए समथी, ठीक है ना? हाँ। तो दुश्मनी को अब छोड़ देते। आपने एकदम हमारे मन की बात की, सारी भूल चुक लेनी देनी। तो आज से दोस्ती की शुरुआत करते हैं। हाँ, कहे नहीं। तो अगले दो चार दिनों में हम आपके पास एक पर्ची लेकर आएंगे। पर्ची कहे की? सामान की। देखिए सामान लेकिन एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मतलब आप जो कुछ भी देंगे अपनी बिटिया को देंगे ना, हमारा क्या है, हम तो बुढ़ा गए, हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से सब देंगे, चाहे नहीं देंगे। टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा। हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो 15 लाख में निपट जाए। ठीक है। कब हुआ? 15 ये 15 लाख सुनकर आपको हिचकी काहे आ गई? अरे अरे सुनिए 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 सुनिए, सांस 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 बंद कीजिए, एकदम सांस सांस बंद कीजिए, एकदम एकदम सांस बंद कीजिए, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, सांस बंद कीजिए, सांस बंद कीजिए, सांस बंद कीजिए, ठीक हो गया। हिचकी का सबसे बढ़िया इलाज यही है। फाइनली मजनू को लैला मिल गई, ऐसा धीरू को लग रहा था। लेकिन वो प्यारी क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो, खुद को मजनू और माया को लैला समझा था, और ट्विस्ट ना आए ये पॉसिबल है, पर ये ट्विस्ट आज रात नहीं आएगा क्योंकि वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। प्रणाम हंस जी। हवलदार साहब, आज तो आपका जब खत्म ही ना हो रहा। अरे महंत जी, हवलदार साहब नहीं, इंस्पेक्टर साहब कहने की आदत डाल लीजिए। अच्छा, क्या है कि प्रमोशन का टाइम नजदीक है। पुलिस डिपार्टमेंट को खबर मिली है कि डाकू ज्वाला सिंह इसी इलाके में देखा गया है। कौन भाई, जिसको सब मिस्टर वांटेड कहते हैं? हाँ हाँ, वही मिस्टर वांटेड जिसपे 20 लाख जिंदा और 10 लाख मुर्दा का इनाम है, जो प्रमोशन के साथ साथ हमें मिलने वाला है। जय शिवशंकर, जय शिवशंकर। बीस लाख जिंदा और 10 लाख मुर्दा। नमस्वाय, नमस्वाय। सुना है मिस्टर वांटेड ने 200 मर्डर किए हैं, 200। अरे पहला मर्डर तो उसने अपने स्कूल के मास्टर का किया था। उसकी फोटो तो पुलिस के पास भी नहीं। तुम्हें क्या मालूम, हमारे बाप उसके साथी के साथ रहे हैं। वो बता रहे थे कि उसने 400 के ऊपर मर्डर किए हैं। 100-150 तो आज तक पता ही ना चले। उसने अपनी जिंदगी में डाका ही डाला। 15 साल होते होते तो उसने अपनी गैंग बना ली थी, और 20 साल का होते होते उसका नाम ज्वाला सिंह से मिस्टर वांटेड पड़ गया। आज के समय पे मिस्टर वांटेड की उम्र रही होगी करीबन 65-70 साल। और भैया, उसकी बड़ी बड़ी मूछें भी तो हैं। अबे उसके दाढ़ी के आधे बाल कच्चे और आधे बाल पक्के होंगे। और हाइट रही होगी 5'7". 5'7"? अरे उसकी आंखों में ना अंगार था, अंगार। जब वो किसी को घूर के देख लेता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे मौत सामने खड़ी है। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक है भाई। ये रोटी की कीमत कब समझोगे आशा के बापू? है काहे ले लिए वो मुए साहूकार से 30,000 रुपली उधार, वो भी 10% ब्याज पे। काहे रख दी अपना घर बित्ते भर जमीन है गिरवी उके पास लट घुमा के। अरे भगवान ने पैदा किया है तो खाने को अन्न वही देगा। भगवान पैदा किए हैं, भगवान पैदा किए हैं, तू पैदा किया है नासपीटा। अरे जानवर भी अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करता है, और एक तू है कि हमको झोपड़े से निकाल करके रस्ते पे लाने पे तुला हुआ है। हमने सोचा था हमारी अम्मा हमारी बेहायक औरत से करवा रही है। हमको कहाँ पता था कि हम एक डायन से ब्याह कर लिए हैं, चैन से पेट भी नहीं भरने देती है। ले खा ले। अत जाओ ना, वापस यही लौट कर आओगे, जाओगे कहाँ? चैन से खाना भी नहीं खाने देती है, पानी पीने देती है। जब देखो बड़बड़ 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 करते रहती है, और ऊपर से परेशानी अलग, ससुरी लॉटरी भी नहीं लगती है। ऊपर से ये कौन है? ये तो हमारे गांव का लगता नहीं है। देखना पड़ेगा कौन है, देखता हूँ जाकर। आज के समय में मिस्टर वांटेड की उम्र रही होगी करीबन 60 से 65 साल।
मुझे भी है बड़ी बड़ी सी। उसकी दाढ़ी के आधे बाल कच्चे और आधे बाल पक्के होंगे। उसकी आंखों में अंगार था अंगार। वो देख ले तो ऐसा लगता था मौत सामने खड़ी है। मिस्टर वांटेड, गीता गीता आओ आओ। आ गया नासपीटा। कासा के बाबू हैं? गए तो बड़े रुस्तम बन के थे कि जैसे रात भर आओगे नहीं। अरे वो सब छोड़, बोरा निकाल, किसी को धर के लाना है। बोरा गए हो? तुम कह रही थी ना कि जानवर भी अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करता है। अब देख ई धनी राम अपने बीवी बच्चों के लिए क्या करता है। क्या बात है, क्या बात है, साफ साफ बताओगे? ओहो, मिस्टर वांटेड का नाम सुनी हो? वही ना, जी पे जिंदा पे 20 लाख और मुर्दे पे 10 लाख का इनाम है। हाँ वही, उसको हमने पहले देखा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अकेला घूम रहा है। जाओ फटाफट बोरी लाओ और डंडा भी ले आ जाओ। लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ। हे भगवान, इस बार कागज की नहीं वांटेड की नोटरी लगाई है। अरे जल्दी ला, जल्दी ला, जल्दी ला। अरे आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। की अम्मा, जब हम बाहर जाएंगे ना तब तुम रखवाली करना, और तुम बाहर जाओगी तो हम रखवाली करेंगे। अरे तुम चिंता ना ही करो आशा के बापू, हम सब संभाल लेंगे। अतः चल के खाना खाए लो ना, पहले भी कुछ नहीं खाया, सही चले गए। अरे ये वांटेड मिल गया ना तो हमार पेट एकदम भर गया सच में। अच्छा सुनो आशा के बापू, कल सवेरे सवेरे जाग करके ये बोरा का तुम जमा कराए दो। हाँ, लेकिन ये गांव के पुलिस चौकी के जो थानेदार है ना, बहुत ही घूसखोर है। हाँ, उसके पास जमा करेंगे तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा आधा, और उसके ऊपर वाले साहब को भी आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अब ऐसे ही हिस्सा देते देते हमारे हाथ का लगेगा घंटा। तो फिर क्या करोगे आशा के बापू? करना का है का? हम सुने हैं ये जिला के एसपी साहब बहुत ईमानदार है, एकदम सिंगम के जैसा। उसको जमा करेंगे और पूरा के पूरा 20 लाख अपने हाथ में। सच्ची? सच्ची। आशा के बापू, हम ना कल तुम्हारे लिए वो मालपुआ बनाएंगे। हाँ, आज बड़ा प्यार आ रहा है अब तो। कितना प्यार आ रहा है, आशा सोए जाए तब बताएंगे। हाँ। लिख लिया? जी मालिक। अब एक काम कर, एक 4 पहिए वाली एक गाड़ी भी लिख दे। कौन सी मालिक, 4 सीट वाली या 7 सीट वाली? अरे
हमको इससे कहा चार सीट वाली या सात सीट वाली, जो देगा अपनी बेटी को देगा, है कि नहीं? हा? जी मालिक। एक काम कर जी, सात सीट वाली लिख दे। ठीक है मालिक। क्या बापू, किसका हिसाब किताब चल रहा है? हा? अरे छोड़, तू बता कि तू सुबह सुबह सज धज के कहां जा रहा है? हा? अरे तेरी बहू को शहर ले जा रहा हूँ कुछ शादी का सामान खरीदवाने, और अपने लिए शेरवानी। ठीक है, संभल के जाना। और सुन, सुना है वो मिस्टर वांटेड आजकल इसी इलाके में है। बापू तू चिंता मत कर, 20 लाख रुपए का इनाम है उसके ऊपर। अगर मिल गया ना, 20 लाख रुपए का इनाम लेके ही लौटूंगा, समझा बापू? जी बा भैया, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफ कर दूंगा, बस एक शर्त है मेरी, एक रात के लिए अपनी चोरू को हमारे पास भेज दे। जी बा भैया। कुछ नहीं, ना 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 ना, तो आराम से सो जा चैन की नींद, ख्याल रखेंगे तेरी चोरू का हम। लेट्स गो। हाँ बोल। करंट लग गया क्या? जीवा, ट्रांसफार्मर को कोई करंट की चिंता थोड़ी ना होती है। अभी देखना, करंट के झटके लगेंगे तुझे। 2 दिन हो गए हमको जेल से छूटे हुए, सोचा था गांव जा करके तुझसे हिसाब चुकाऊंगा, पर अच्छा हुआ कि तू इधर ही मिल गया। जीवा, बुरा वक्त कभी भी कहीं भी आ सकता है, तो देख मैं फिर से आ गया तेरे सामने, और तू समझता नहीं है, वो तेरी प्रॉब्लम है। चल हट, बुलेट से पैर हटा। अबे खड़ी रहने दे बुलेट, और वैसे भी तू गांव नहीं, म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल जाएगा एम्बुलेंस में बैठ के। ए! ए! तू कट, समझ आएगा तुझे, धीरू ऐसे नहीं समझने वाला, और हमें गांव जाने में देर भी हो रही है, अभी 5:55 हो रहे हैं ना, 5 मिनट है तेरे पास, 6 बजे तक हम निकल जाएंगे। ऐसे क्या देख रहा है, अब 4:30 है तेरे पास। अबे कैसी सरफिरी लड़की से ब्याह कर रहा है तू? आए सरफिरी नहीं, ये जिससे शादी कर रहा है उसे अपने होने वाले पति पे टशन है, समझा? नहीं समझा। बहुत जल्द समझ जाएगा जीवा, अब मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे। 3 मिनट में तो तेरा पूरा खेल खत्म कर दूंगा मैं।
पापा। प्रणाम चाचा। अंदर चलो, अंदर चलो। बहुत हो गई इज्जत, जाओ घर जाओ। अपने बाप से कह देना कि हमारी बेटी है। किसकी? जगतराम की बेटी है, किसी मजबूर बाप की बेटी नहीं है। इसकी शादी तुमसे अच्छा लड़का ढूंढ के हम करेंगे, और उसी दिन करेंगे जिस दिन मुहूर्त फिक्स हुआ है। आई बात समझ में? अब जाओ, चलो जाओ, अंदर चलो। जो कह दिया सो कह दिया। अरे चाचा सुनो तो सही। ओ चाचा, ये क्या नया झटका देके चले गए चाचा? गुस्सा कम करो। अरे बैठ जाओ, चक्कर आ जाएगा। अम्मा, जगत चाचा कह रहे थे कि ब्याह कैंसिल। हाँ, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बेटा, तेरे बापू ने बहुत कोशिश की, उनकी उनकी इतनी बेइज्जती हुई तो अब बेइज्जती तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ना? आखिर हुआ क्या? हाँ, होना क्या है? हाँ? जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में तुम्हारे बाप की कौन इज्जत है कि नहीं? लेकिन मेरा और माया का क्या होगा? सुन लो, ये अभी तक माया के चक्कर में है। सुनिए ना, बाप का अपमान हुआ सो कुछ नहीं। सुनो, चार लोगों के सामने हमारा अपमान हुआ है, ये बात हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। और तुम तय कर लो, तुमको बाप चाहिए या लुगाई, समझ गए? चलो जी, जो समझाना था इसको समझा दिया। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ ऐसा ही कारण था धीरू और माया की शादी टूटने का, आप खुद ही देख लीजिए। बीस दिन बाद विवाह का ऐसा शुभ मुहूर्त बन रहा है कि अगले दिन ब्याह हो गया, शिव पार्वती की जोड़ी बनेगी। हाँ हाँ, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद करो, आप दोनों तय करो। हाँ, तो फाइनल है, 21वें दिन हम बारात लेकर आ रहे हैं। बहुत हाँ? बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो, हम लोग समधी बन गए। आप जगतराम जी, आप तरी किधर आइए, बात करनी है। क्या है जगत राम, लड़की को जो भी दोगे ना, जरा ठीक से देना। मतलब माल जो है वो एक क्वालिटी का होना चाहिए, लोगों को पता तो चले कि माल खर्चा किया है मोटा इसमें। प्रधान जी, आप मजाक कर रहे हैं। जगत राम, लहेज की बात मजाक में की जाती है, लेकिन होती गंभीर है। ये ना सुनेंगे। देखो प्रधान जी, इतने में खर्चा हो रहा है हमारा, इतने में तो हमें डॉक्टर इंजीनियर मिल जाते हैं, हम बता रहे हैं। ज़बान पे काबू रख जगत राम। हम नहीं आए थे तुम्हारी चौकट पर, तुम आए थे हमारी चौकट पर। अब हमको बोल रहे हो कि हम अपने लड़के की कीमत लगा रहे हैं? ए प्रधान, तेरा कायदे से बात करो, आई बात समझ में? एक तो हमारे घर में खड़े हो और हम आप करके बात किए जा रहे हैं, और तुम हो कि एकदम तू तड़ाक पे उतर आया है, तो हमारी बात भी सुन लियो तुम। हम नहीं आए थे तुम्हारे पास रिश्ता लेके, तुमने भेजा था इस महंत को, पूछो इससे। झूठ बात बोल जगत राम। हम झूठ? अरे हम थूकने तक ना आते तुम्हारी चौकट पे, पहले खुद रिश्ता लेकर आते हो, फिर लोगों से बोलते फिरते हो कि रिश्ता हम लेकर आए थे। क्या महान बताए, सराम घोर को कौन रिश्ता लेकर आया था? बताओ बताओ। अरे क्या बताएंगे? बताओ तुम। अरे बता तो दिया तुम। अरे छोड़ तुम, तमीज से बोलो, समझ रहे? हमारे घर में खड़े हो के हम ही को गलिया रहे हो। ए जगत राम, औलाद के बारे में मत बोलना कुछ, तुम भी तमीज से बात करो, समझे? खून हो जाएगा हमारे हाथों से। क्या, पहले हम चक्की में पीस देंगे तुमको। बता रहे हैं तुमको, हम बता रहे हैं, कमरे में बंद करके चक्की पिसवाएंगे। तुम सुन लो, तुम हमारी जेल है। औलाद के बारे में कुछ मत बोलना तुम भी। देख अम्मा, बापू से प्यार से कह दे हमारी शादी करा दे बिना दहेज लिए,
वरना जो हमने भाग के शादी कर ली तो पूरे गांव के सामने नाक कट जाएगी। बेटा तू ना तैयारी कर ले, मेरा फुल सपोर्ट है। मैं तो तुझे पहले ही बोलने वाली थी, लेकिन जब ये कल तुम्हारा झगड़ा हुआ ना, तब से तिजोरी की चाबी अपने पास लिए घूम रहे हैं, इस शक में कि मैं तिजोरी खाली करके तुझे ना दे दूं। अच्छा खासा बाप था ये हमारा, अनुपम खैर की तरह कॉमेडी करता था। अमरीशपुरी पता नहीं कहां से घुस गया इसके अंदर। अरे बेटा जब से शादी हुई है तब से झेल रही हूँ, तेरे बापू में ना रंजीत से लेकर कन्हैया लाल तक सब घुसे पड़े हैं। बापू, मिट्टी का तेल वहीं रखा हुआ है, छुपाया नहीं हमने और दरवाजा भी खुला है। हाँ पता है, धीरू आ चुका है, पता है। क्या ससुर जी, ये कैसी ससुराल है? होने वाले दामाद को ना हमेशा फाइटिंग करके ही अंदर आना पड़ता है। हम ठहरे रोमांटिक हीरो बनके सुकून की जिंदगी बिताना चाहते हैं और आपने हमें एक्शन हीरो बना डाला। अरे ये कैसा इंसाफ है, आप ही बताइए। शादी टूटने के बाद हमें लगा किसी ठेके पे बैठ के देसी पी रहा होगा। ससुर जी ठेके पे तो बैठ जाते, पर आपके होने वाले दामाद की बदनामी होती आपको अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता। कौन सा दामाद और किसका दामाद? अरे तेरा चाचा और किसका। चल माया, बुलेट बाहर खड़ी है और टांकी भी फुल है। ठीक है, पांच मिनट दो, हाँ भी सामान लेकर आते हैं। माया ऐसे ही चल, अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि तेरी अम्मा को भगा के ले गए थे सिर्फ एक जोड़े में। अच्छा तो ये बात है, तो फिर चल। ए, कहाँ लेके जा रहे हो? भगा के लेके जा रहा हूँ। तुमको क्या लगा यहाँ देवदास मूवी चल रही है कि रोता फिरूं? और हमारी फिल्म मसाला एंटरटेनमेंट है, और बेटी को बाप के सामने से भगा के लेके जाएंगे और कुल्लू मनाली में हनीमून मनाएंगे और डंके की चोट पे गांव वापस भी आएंगे। चल माया। ए बेशरम लड़की, अरे भागना ही था तो कम से कम छुप के भागती, एक बाप के सामने भाग रही हो, शर्म नहीं आ रही है? हाँ तो आप मुंह उधर कर लो, हम ना तब भाग जाएंगे। अरे काहे ऐसा कर रही हो, हम मर जाएंगे। क्या लगता है बाबू, हम क्या खुश रहेंगे तुम्हारे बिना? हमारे तो सब कुछ तुम ही हो, माँ बाप परिवार, तुम्हारे बिना और कौन है हमारा? बाप बन के खिलाए हो, माँ बन के सुलाए हो, आज अगर हम भागे ना तो उसका दुख तुम बर्दाश्त कर लोगे, शायद कुछ समय बाद हमें माफ भी कर दो, लेकिन अब बस बापू और नहीं। अगर आज हम इसके साथ नहीं भागे ना तो हम कल का सूरज नहीं देखेंगे। अपनी बेटी के मरने का दुख बर्दाश्त कर पाओगे तो? चुप कर, कहे ऐसा बोल, तुम्हारे सिवा हम रहा है कौन, कौन है बताओ बेटा। एकदम अकेले है बेटा, कोई नहीं हमारा। धीरू
जाओ तुम अपने बाबू से बोलो, हम तैयार हैं शादी के लिए। और जो लिस्ट हमको दियो वो सब हो जाएगा, पूरा कर देंगे हम। पर बापू आप तो बोले थे कि पैसे नहीं है। हाँ हम बोले थे, कोई घर में नहीं भरा पड़ा है, पूरे गांव में जगह जगह फंसे हैं, कल सुबह जाके वसूली शुरू कर देंगे और क्या। लेकिन घबराओ नहीं, हो जाएगा सब। आशा के बापू 5 दिन हो गए इन आसपिटी की सेवा करते करते, इतनी सेवा तो हमने कभी अपने ससुर के भी नाक की लट्टू घुमा के। अरे अब का करे, एसपी साहब की लड़की की ब्याह है, अब ब्याह में 2-5 दिन तो लग ही जाता है। सुने हैं यार ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं, हम जाते हैं स्टडी बूथ ऑन करने, और तुम जो है यहाँ सामान सब समेट के रखो, कल पैसा मिल जाएगा और हम यहाँ से परले रोज निकल जाएंगे। अरे तो जल्दी जाओ ना हसन के बापू, तुम चलो ना जाते हैं लट्टू घुमा के। अरे जा रहे हैं लट्टू जैसे घूमते जाएंगे गोल गोल। धनीराम, ओ धनीराम, कोई है? अरे धनीराम की बहू है। ये सामान ये सब पैक होके रखा है, मतलब का है? ए, ए धनीराम, धनीराम की बहू, धनीराम। अरे 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 अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, ये कौन तरीका हुआ? हाँ तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या लट्टू घुमा के? ए, बिटिया बाहर जाओ खेलो जाके। ए भगवान, ऐसा तेवर दिखाओगी हमको? ये मकान गिरवी है हमारे पास, हम और हमारे आदमी जब चाहे तब आ सकते हैं, जिसको रोकना है रोक के दिखाए दे। सुनो है, ये तुम और तुम्हारा मर्द ये सब का करने वाले हो? ये पैकिंग वैकिंग हो रही है, कहाँ भागने की तैयारी है? तुम्हारे पैसे दे के जाएंगे साहूकार समझे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 40,000 रुपल्ली के लिए हमारा जीना हराम कर दिया लट्टू घुमा के। 40,000 रुपये कल तक तो बहुत बड़ी रकम थी इनके लिए, ये आज रुपल्ली कैसे हो गई? कहीं तेरी नाम की लॉटरी तो नहीं खुल गई? ना ना, लॉटरी खुलती तो हंगामा हो जाता गाँव में। ए, अब सुनो हमारी बात, पिछला हिसाब अभी तक चुकाया नहीं गया है और नया हिसाब चालू करवा दिया, बेवकूफ समझ रखा है क्या हमको? असल तो छोड़ो, अभी तक ब्याज के पैसे भी चुकाना शुरू नहीं किए। और सुन लो हमसे अब आखिरी बार, अपने मर्द से कह दो ये सारा का सारा पैसा हमको अभी आज इसी वक्त चाहिए, और नहीं तो हमारा झोपड़ा खाली करके दो। हाँ हाँ ले लेना,
40,000 रुपल्ली तुमरे बियाज के साथ लट्टू घुमो के। अरे सर जी, का हुआ सर जी? अरे का हुआ आशा के अम्मा? आशा के बापू, मारो कल इनके मुंह पे पैसे। धनीराम, अपनी औरत को समझा लो, हम कह रहे हैं तुमसे बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, तमीज से बात कर सेठ जी से। अरे 5 दिन बाद एसपी साहब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, तब तक शांति रख। अरे सेठ जी, ये तो बददिमाग औरत है, हम खुद पछता रहे हैं ब्याह करके, कहे इसके मुंह लगते हैं। एक हफ्ता में हम आपको सारे पैसे ब्याज के साथ दे देंगे सेठ जी। नहीं 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 नहीं, या तो आज पूरा पैसा वापस करो ब्याज के साथ, नहीं तो झोपड़ा खाली करो। सेठ जी 40 का 80 दे देंगे एक हफ्ते बाद, जो ना दिए ना तो ये झोपड़ा में ताला लगा के चाबी खुद दे देंगे हम आपको। हम अपनी बेटियां की कसम खा रहे हैं। अरे खड़ी खड़ी का देख रही है? हैंडपंप से ठंडा पानी ला के पिला सेठ जी को। हाँ, राम जी, हुक्का बना के लाओ। अरे सेठ जी, ऐसे हुक्का बनाएंगे ना एकदम मजा आ जाएगा। अब भी आते हैं हम। ये हिल क्यों रहा है? लेना है ब्रांड। आज के समय में मिस्टर वांटेड की उम्र रही होगी करीबन 60 से 65 साल। मुझे भी है बड़ी बड़ी सी। उसकी दाढ़ी के आधे बाल कच्चे और आधे बाल पक्के होंगे। अरे उसकी आंखों में ना अंगार था अंगार, जब वो देखता था तो ऐसे लगता था मौत सामने खड़ी है, मौत। वांटेड? सर जी, धनीराम इसको रखो। ओ धनीराम, हमें तुमसे असल असूद कुछ नहीं चाहिए। अरे हम तुम्हारा सारा कर्जा माफ की देते हैं भाई। असल में हमें वो चाहिए जिसकी वजह से तुम दोनों की चर्बी में गर्मी चढ़ गई है। मतलब सेठ जी? 100 की सीधी बात, हमें मिस्टर वांटेड चाहिए। लक्ष्मी मैया, धन्यवाद आपने कृपा बरसाए दी। आपने बिटिया की शादी के दहेज के 15 लाख रुपए का इंतजाम करवाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर में विराजमान रहिए। हाँ, कृपा करिए, बस ऐसे ही। अभी फौरन जो है हम प्रधान जी को खबर करवा देते हैं कि हम अपनी बिटिया की शादी के लिए तैयार। ओके। तक है मैं तक है तू, तू मेरी मैं तेरा पिया, तू तक तू दिया। तू तक तू दिया। I like you. प्यार हो गया तेरे नाल नी। I like you. तू तक तू दिया। I like you. प्यार हो गया तेरे नाल नी। I like you. लेने दे मुझको दिल तेरा, लेने दे कई
कई दिनों से कहना है वो आज मुझे कहने दे। तू तक तू तक तू तक तू तिया प्यार हो गया तेरे नालनी। लेना है लेना है हाँ लेना है लेना है लेना है लेना है लेना है आज लेना है दिल तेरा लेना है। क्या रूप है तेरा माशा अल्लाह रंग सुनहरा पल्ला पल्ला गाल गुलाबी चाल शराबी नजर लगे ना हर किसी की अल्लाह। रूप तेरा सिंदूरी होंठ तेरे अंगूरी गालों की ये लाली कानों की ये बाली टंटना टन टंटना टन हो गई जवानी टंटना टन टंटना टन हो गई जवानी। तू तक तू तक तू तक तू तिया प्यार हो गया तेरे नालनी। लेना है लेना है लेना है लेना है हाँ लेना है लेना है लेना है आज लेना है दिल तेरा लेना है। सोच रहा आ जाऊं तेरे घर पे चढ़ के घोड़ी हाँ सोच बड़ी कम वक्त ये मेरे बदन पे बिजली दौड़ी बजती है शहनाइयां और बजी है सीटियां गाता हूँ बस गीत यही अरे तू तक तू तक तू तिया। Let's do it, let's move it। तू है गबरू रंगीला हाय रब्बा बड़ा है छेछड़ीला हाय रब्बा बातों में तू उलझाए टंटना टन टंटना टन हो गई जवानी टंटना टन टंटना टन हो गई जवानी। तू तक तू तक तू तक तू तिया प्यार हो गया तेरे नालनी। लेने दे मुझको दिल तेरा लेने दे कई दिनों से कहना है वो आज मुझे कहने दे। तू तक तू तक तू तक तू तिया प्यार हो गया तेरे नालनी। लेना है हाँ लेना है लेना है लेना है लेना है लेना है आज लेना है दिल तेरा लेना है। बस नहीं प्रधान जी ऐसे नहीं चलेगा। एक समधन के नाम से ले लीजिए। अरे भैया कभी बहू के नाम पे खिलाए कभी स्वर्गवासी समधन के नाम पे खिलाए कभी कुलदेवी के नाम पे खिलाए अब खिला खिला के मार डालोगे का? हाँ नहीं नहीं बहुत हो गया बहुत हो गया। हाँ प्रधान जी स्वादिष्ट लगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुन्ना आया अरे ये सब थाली वाली ले जाओ। सुनो प्रधान जी के लिए वो वाला जो मिठाई रखी है थोड़ा मिठाई चलेगी। नहीं मीठा हम लेके आए हैं ना ये लो। ये क्या है? अरे पढ़िए तो सही सामान की लिस्ट है। वो क्या है जगत राम जी इस बार हमारे लड़के की कीमत जरा बढ़ गई है। हाँ। क्या हुआ पेंशन कहाँ ले रहे हो? जो क्या रहे भाई नहीं 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 अपने पास में रखो जोक सीरियस है। अब बहू कहाँ है हमारी भाई दिखाई नहीं दे रही। माया बिटिया तनी गई है बाहर अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा ठीक है तो उससे मिलके ही चलते हैं। प्रधान जी नहीं भाई उसके सर पर हाथ नहीं रखा ना हमने मिलके जाते हैं उससे ठीक है। हम कहा कह रहे हैं कि अब भाई जितना वक्त लगेगा लगेगा और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कहा है कि लंच के बाद ना थोड़ी सी नींद हो जाए तो खाना अच्छे से पचता है ना।
हमारी भी आदत है, क्या करें। बहुत बढ़िया बतियाते हैं आप। ठीक है, जैसा आप कहें। अरे समधी जी, बहू आई कि नहीं? समधी जी, ओ समधी जी, जीते रहो जीते रहो, सदा खुश रहो। अब बिटिया, ये आया गया कक्ष क्या बला है? वो बाऊजी, जो लोग कर्ज नहीं चुकाते ना, उनका सामान यहाँ रखा जाता है। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करो, चाबी ले आओ, जरा हम भी देख ले, हो सकता है हमारे काम की कोई चीज निकल आए। हैं वो बाऊजी, हमारे पास तो चाबी नहीं है, वो बापू के पास है ना। तो सुनो ना, चुपके से चाबी ले आओ, जगाना मत उनको, हम सामान झांक ले फिर जगा देना। हैं जी बाबू, शाबाश, जाओ। कैसा लालची ससुर है। कहां कहां से घटिया सामान उठाकर यहां कबाड़ बना रखा है। जैसा घटिया आदमी वैसा सब घटिया सामान। क्या छुपा के रखा है, लेकिन ये अपने आप तो गिर नहीं सकता, है क्या इसके अंदर, हम भी देखे जरा। ये जगत राम किडनैपिंग का धंधा भी करता है। आज के समय में मिस्टर वांटेड की उम्र रही होगी करीबन 60 से 65 साल। मुझे भी है बड़ी बड़ी सी। उसकी दाढ़ी के आधे बाल कच्चे और आधे बाल पक्के होंगे। अरे उसकी आंखों में अंगार था अंगार। जब वो देखता था तो ऐसे लगता था मौत सामने खड़ी है, मौत। मिस्टर वांटेड, लेना है लेना
संदी जी, संदी जी, बहुत 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 गहरी नींद में हम सोए, वही हम कहें कि क्या हुआ आप प्रधान जी, इतना हंसी आ रही है? हूँ क्या? हमको समझ में आ गया सारा खेल। क्या क्या समझ में आ गया आपको? ये नहीं कि मिल बांट के खाए, साहूकार हो ना, अकेले पेट भरने के चक्कर में लगे रहते हो। हमको कुछ समझे मैं नहीं आ रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? देखो भैया, हमको अभी अभी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी, कि बहू जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, तो दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। पर माया बिटिया के सर पर हाथ रखते ही हम समझ गए थे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है। प्रधान जी, क्या विचार है आपके? सच में हमको तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसी बातें करेंगे। हम कैसे आपका आभार प्रकट कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा कि दहेज लेने की जगह हम कुछ और लेने के चक्कर में हैं। और क्या मतलब? मिस्टर वांटेड। क्या हुआ, हवा निकल गई? क्या बापू, तूने तो कमाल ही कर दिया, बिगर दहेज के शादी। अरे वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राउड ऑफ यू। चल बापू, आज बाप बेटे ना मिलके आज अंग्रेजी मारते हैं। तुझे क्या पता मुझे मिस्टर वांटेड मिल गया है। विलन के मिक्सर में आलोकनाथ का तड़का, बात हजम ना हुई। अरे हमने सुना है कि प्रधान जी बिना दहेज लिए ही शादी के लिए तैयार हो गए। अच्छा, जो आदमी मरते को भी पानी ना दे उसने दहेज छोड़ दिया, इस बात से पेट में मरोड़ रही है, पता लगाना पड़ेगा। प्रधान जी को क्या हो गया है? भंडार कक्ष की चाबी बंडी में डाल के घर में घूम रहे हैं। चाबी? वही तो मैं भी कहूँ, शादी का घर है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, लेकिन भंडार कक्ष। अच्छा, आटे की बोरी हो चाहे तेल का पीपा, खुद ही उठाकर अंदर बाहर कर रहे हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, लगता है प्रधान जी बोर आ गए।
लेना है ब्रांड। हिल क्यों रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। समय में मिस्टर वांटेड की उम्र रही होगी करीबन 60 से 65 साल। मुझे भी है बड़ी बड़ी सी। उसकी दाढ़ी के आधे बाल कच्चे और आधे बाल पक्के होंगे। अरे उसकी आंखों में ना अंगार था अंगार। जब वो देखता था तो ऐसे लगता था मौत सामने खड़ी है। मौत वांटेड, मिस्टर वांटेड। महन जी, क्या बात है महन जी, काहे बुला लिया अर्जेंट में? पड़ोसी गांव में जो डाकू गैंग है, तो उसी गैंग का आदमी है। नहीं तो महन जी, क्या बोल रहे हो, किसने कह दिया? नहीं महन जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कहीं हमको पुलिस से धरवाने का इरादा तो नहीं है आपका? हम महंत हैं, सबकी खबर रखते हैं। अगर तेरे को धरवा नहीं होता तो तेरे पीछे खबरी लगा देता और धरवा देता। समझ गया ना? हाँ? मुझे तेरे सरदार से मिलना है। अब महन जी, अब आपसे क्या झूठ बोलूं, सच बताऊं? वो डाकू के सरदार है ना, वो किसी से नहीं मिलता महन जी। उसने कसम खा रखी है कि जब तक सरकार उसके सर पे 50,000 का इनाम ना रखेगी तब तक वो किसी से ना मिलेगा। तो मैं माफी चाहूंगा। अरे इसमें तेरा भी फायदा है। अरे महन जी, अब का फायदा होगा? उन साले लोगों ने एक साल से मुझे इंटर्न बना के रखा है। सच बताओ महन जी, गैंग में परमानेंट भर्ती तक न दी, मैं तो घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ। तो समझ ले तेरे भर्ती का टाइम आ गया है। बताइए महन जी, क्या करना होगा? किडनैपिंग करानी है। किडनैपिंग? अरे सरदार, 2 महीने से पौवे की शक्ल नहीं देखी। ए पप्पू, दिवाली कब है रे? अरे दिमाग खराब करके रखा हुआ है। छठ कब है, दिवाली कब है, ईद कब है, रमजान कब है, अभी कैलेंडर समझ के रखा हुआ है क्या? सरदार, 2 महीने पहले निकल के गई है, उसके हिसाब से 10 महीने बाद है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे सरदार, हमारा कोई आदमी आ रहा है। क्या? आइए महंत जी, आराम से। प्रणाम। कालू, ये किसको लेके आए रे? जी सरदार जी, ये हमारे गांव के महंत जी हैं, और महंत जी ये है सरदार, सरदार सरोवर सिंह। हाँ, नाम सुना है। सकल से तो बंदर लग रहा है, क्या काम है? एक किडनैपिंग करवानी है। कितने आदमी हैं? कितना रुपया दोगे? पूरा 25,000। 25,000? थ्रू। अरे इतने पैसे में तो मैं गांव के मंदिर से चप्पल न चुराऊं। किडनैपिंग कराने चले आए। अरे हमारी जीवन भर की कमाई है, अब गांव में तो कोई 2 रुपए का कॉइन थाली में नहीं डालता। इससे ज्यादा दूंगा कहां से, इतना ही है। करना है तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, बता दो। अरे सरदार, हालत बहुत खराब है, काम ले लो, महीने भर का राशन हो जाए। हाँ, समझे? हाँ।
अच्छा ऐसा है कि कालू हमारा बहुत खास आदमी है, पहली बार कोई काम लाया है, इसलिए मैं हाँ कर देता हूँ। अब ये बताओ किसको कहाँ से और कब किडनैप करना है? प्रधान जी की हवेली में भंडार खाने के अंदर एक बूढ़ा है जो बोरे में बंद है, उस बोरे को उठा के हमारे मंदिर में लाना है और ये आज ही करना है। प्रधान की हवेली से? अरे मरवाओगी क्या यार, वहाँ छह छह आदमी दुनाली लिए खड़े होंगे। कालू को सब पता है, कौन कहाँ दुनाली लेकर खड़ा है, कौन कहाँ नहीं खड़ा है। अच्छा रही बात भंडार खाने के अंदर जाने की, तो मैंने भंडार खाने के पीछे के दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल दी है। आपको बस पीछे से जाना है, दरवाजा खोलना है, बोरा उठाना है और हमारे मंदिर में लाना है। ये रहे 10,000 एडवांस दे देना। बाकी 15,000 बैलेंस लेके मैं मंदिर पर खड़ा रहूंगा, आप बोरे को लेके आएंगे, हम आपको बैलेंस दे देंगे। महन जी जमान के पक्के हैं। अच्छा अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन भंडार खाने में बहुत सारे बोरे होंगे, आपका बोरा मैं कैसे पहचानूंगा? अरे उस पर लिखा है लेना है ब्रांड। लेना है लेना है, क्या लेना है? लेना है ब्रांड। अच्छा अच्छा ठीक है, याद रखना जी सर जो कहा है। अच्छा कालू तुम एक काम कर, रात में 1 बजे हवेली के पीछे हमें तुम मिलना। जी अब तुम जाओ और इनको भी ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट बहन जी। सरदार जी मेरी गैंग में एंट्री हो जाएगी ना? अरे चुप बुढ़वा क्या कालू, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे गिरोह में एंट्री पाने के लिए बहुत तपस्या की जरूरत पड़ती है, अब तुम जाओ और इस चिल्लर पार्टी को भेज दो। चलिए महन जी। अबे धक्का क्यों मार रहा है? ये कुछ ठीक है ठीक और ये जो दिख रहा है ये धीरू है, प्रधान का बेटा। प्रधान का बेटा धीरू है? हाँ, एक मिनट रुक दे। अच्छा अबे चुप ना। चुप चुप चुप, फिर क्या करें अब? अरे रुकिए एक मिनट, जाने दो उनको। सरदार जी धीरू गया। गया? एक काम कीजिए आप ना, उधर आगे जाके ना लेफ्ट में जाइए और वहाँ एक दरवाजा है। अच्छा वहाँ घुस जाइए, तब तक मैं ना धीरू पे नजर रखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कालू ठीक है। बस ये ना पूछ लो सरदार जी, डर रहा है तो यार सुन रहा डर रहा है। चल 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 सरदार जी जाते हैं, चल आराम से चल छोटी चल। अबे चुप जा बे, अबे तू कहाँ मार रहा है, पकड़े चल कहाँ रे। वाली ब्रांड बोला था, वही बोला था। हाँ वही बोला था। चल उठा बोलवा, काहे देर कर रहा। उठा 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 जल्दी उठा। भारी भारी हाथ लगा, भारी है तो क्या कर, हमें तो पैसे से मतलब। जय भोलेनाथ। आराम से। अबे तुम दोनों इधर ही रुको, छोटी तुम यहीं रुको। आराम से आराम से आराम से। हाँ सब ठीक है ठीक है। अबे चलना आराम से। लियो 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 यहाँ रुको। चल 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 धीरे 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 से कमर तोड़ दे यार। ले ले ले
चल 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 कुंडी बंद करो। बहुत वजन था। 10 एडवांस दिए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये 15। अरे तो कहाँ है भाई इसमें? अरे 15,000 की चिल्लर है। अच्छा इसलिए इतना भारी है? ऐसे गिन के ले आए हैं। बहुत भारी है। नहीं नहीं महन जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सर तो मान ही लेते हैं। हां सुन लीजिए सरदार जी मेरे गैंग में एंट्री तो हो जाएगी ना। अरे यार ऐसे तो बहुत मुश्किल था। तो काम बहुत बढ़िया किया हो। अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। जी 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 पाए लगूं मैं जी। चलिए चलो माल मिल गया। राशन भरवाएंगे सरदार। चलो चलो मिस्टर वांटेड कहाँ गया? ये धोखा है। किसी ने मुझे धोखा दिया है। छोड़ूंगा नहीं उसको जिसने मुझे धोखा दिया है। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। कहाँ है हमारा मिस्टर वांटेड? वांटेड? काका हुआ क्या है? उसका किडनैप हो गया। किडनैप हो गया? अरे भगवान ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। देखो हम सब जानते हैं ये तुम्हारा किया धरा है। ए प्रधान जी थोड़ा इज्जत से बात करो। हमारा काम था वांटेड को आपके हाथ सौंपना। हमने सौंप दिया है और किस तरह से हमने कलेजे पे पत्थर रख के सौंप पाया वो हम ही जानते हैं। ना तुम्हारे अलावा और कौन जानता था कि वो हमारे पास है? हाँ सुनो रिपोर्ट लिखवा देते ना तो शक के बिना पर अंदर होते तुम। जबान संभाल के बात करो प्रधान जी। लड़की वाले हैं तो इज्जत दे रहे हैं और इज्जत लेनी नहीं आती है तो हमको बताओ। हम भी तुम्हारी तरह बदतमीजी से बात करें धरी की धरी रह जाएगी इज्जत। और सुनो वांटेड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे बिन लेन देन के तो शादी नहीं होने वाली। अब पर्ची है ना तुम्हारे पास है? एक भी सामान कम ना पड़े। इस शादी की बात पूरे गांव में फैल चुकी है। मेहमान घर आ चुके हैं इसीलिए हम शादी करवा रहे हैं। आए देखो इसको कैसी नीचता पे उतर आया प्रधान। अब एक तो वांटेड छीन लिया हमसे और ऊपर मोटा दहेज चाह रहे हो फिर से। सुनो ज्यादा ये 3-5 और तिकड़मबाजी हमको ना दिखाओ। और ये सब दिखाना है तो कहीं और जाओ। आई बात समझ में? और आई बात शादी की तो सुनो एक कूटी कौड़ी नहीं देंगे तुमको। आई बात समझ में? तो फिर शादी कैंसिल। हट तो सुनो तुम क्या करोगे कैंसिल? हम खुदा खत्म करते हैं बे। चुप हट। बात कर रहे हो हमसे? अब इधर आओगे तो हम तुम्हें कंगड़ी से कूट देंगे समझे। चांद छुपा बादल में टंग टंग टंग। इस बोरे में क्या है? बोरे में छुपा कोई राज है। तो महन जी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। महन जी कल सुबह पकड़ता हूँ आपको। Mr. Wanted, चला गया।
मेरे सारे जमा पूंजी चले गए, मुझसे बदल उड़ गया मेरे बहन जी। बहन जी बाहर आइए, अरे बाहर आइए। क्या हुआ महंत जी, कहे रो रहे हो? वांटेड भाग गया। क्या मिस्टर वांटेड भाग गया? मतलब बोरे में मिस्टर वांटेड था? महंत जी कैसे, ये फिर से क्या नया ट्विस्ट आ गया, और ये हर बार हमारे प्यार में क्यों आ रहा है? अरे प्यार में थोड़ा ट्विस्ट तो बनता ही है, तू टेंशन मत ले। सबसे पहले मुझे ये पता निकालना है कि मिस्टर वांटेड लूटा किसने है? अरे धीरू बेटा कैसे आना हुआ? बस शादी का कार्ड लेके। शादी का कार्ड? शादी तो तुम्हारी कैंसिल हो गई। अरे भाभी शादी जरूर कैंसिल हो गई, पर शादी के कार्ड छप गए थे तो हमने सोचा खुद ही बांट दे। अरे आज इस गांव को क्या हो गया है? पूरे गांव में कार्ड बांट दिए पर मिस्टर वांटेड कहीं नहीं मिला। ये ऐसा कैसे हो सकता है? इस गांव में कमीने और लालची भरे पड़े हैं। मिस्टर वांटेड इस गांव से बाहर तो क्या किसी दूसरी गली में भी नहीं पहुंच सकता, लोग देखते ही धर लेंगे उसको। फिर आखिर गया कहां, आसमान निकल गया या जमीन खा गई? आज के समय में मिस्टर वांटेड की उम्र रही होगी करीबन 60 से 65 साल। मुझे भी है बड़ी बड़ी सी। उसकी दाढ़ी के आधे बाल कच्चे और आधे बाल पक्के होंगे। मिस्टर वांटेड, बहुत सेवा हो रही बड़ों की। किशोर बुखार की दवा है? हाँ भैया है, तो गरम दूध के साथ इसको दे देना। अरे भैया मरने तो इसको, पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ है इसने। मर गया तो 10 लाख और जिंदा रहा तो 20 लाख मिलेगा। सही कह रहे हो धीरू भैया। और सुनो, एक रात जागोगे तो जिंदगी भर चैन की नींद सोगे, समझे? समझे धीरू भैया। हाँ और सुनो, अभी हम चलते हैं, सुबह आएंगे, इनका ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल धीरू भैया। तो हम चले? चलिए, चलो बाय। कौन है बे? अबे हम है बे कालू, दरवाजा खोल ना यार। इतनी रात में कहाँ आया है? यार अबे घर पे मन न लग रहा था तो सोचा तुम्हारे साथ बैठ के चीलम पी ले, और तू यार फालतू सवाल मत कर यार, खोल दरवाजा।
ये कालू ऐसे नहीं जाएगा। इतनी रात में काहे आ गया यार ये? आ गया चल से। क्या चल रहा है? अंदर अंदर टीके लगा दी। हट। क्या गड़बड़ कर रहा था तू? रुक दो मिनट। हैं? इधर आ। क्या हुआ? देख। हैं? ये चाचा कौन है बे? मिस्टर वांटेड। हैं? मिस्टर वांटेड बे? अच्छा? ये कहाँ से मिल गया? हीरो भैया पाए। रात भर इसकी देखभाल करेंगे, सुबह जमा करके 20 लाख रुपए अंदर, समझे? एक काम कर बेटा, तू ना ये चीलम बना के ले आ। पूरे रात जो निकाल ले, जा बना ले आ। ले आते हैं? या फिर और का? तो 20 लाख रुपया अकेला ही हजम करेगा बेटा। उधर महन ने भी बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया था, लेकिन बेटा इस बार मैं डबल बेवकूफ नहीं बनूंगा। मिस्टर वांटेड और 20 लाख तो लेके रहूंगा। दोस्त किशोर, आई एम सॉरी। हाँ ले बे पी। ओका पानी पानी। साला इंटर्न बन के देख लिया, कुछ ना मिला। अब तो मैं खुद की डाकू की गैंग बनाऊंगा। 20 लाख मेरा। किशोर देख, कैलाश को लाए हो मदद करने के लिए। किशोर 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 किशोर, अरे हुआ? दे, अरे, ये कैसे किया? भैया कल्लू कल्लू, ये मिस्टर वांटेड कहाँ है? अरे भैया हमको क्या पता था, वो अपनी गैंग खुद ही बनाने की फिराक में। ये रहता कहाँ है कल्लू? भैया यहीं कहीं जंगल में रहता है। भैया कालू को अभी के अभी ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर वांटेड ढूंढना बहुत जरूरी है। और कितना चलाएगा किशोर? कितनी दूर रहता है ये? कहाँ रहता है ये? वो देखो खंडर, ऐसी खतरनाक जगह पे रहता है कालू। बोला तो उसने यही था। तू रहता किधर है बे? जंगल में, जहां कुत्ता तक मुतने ना आता हो। तो फिर चलो। लेना है वांटेड का माल, लेना है माला माल माला माल 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 माला माल। कालू बन गया लखपति। लेना है वांटेड का माल, लेना है लेना है लेना है। टंग टंग टंग। बुलाया तो यही था, कोई दिख नहीं रहा है। अरे ये कहाँ से आ गया भाई? अरे भैया तुम कहाँ आ गए? पूरा गांव आ गया है। अरे धीरू नहीं दिख रहा, कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना गया? हमें तो अकेले आना था इधर, पूरी भारत कहाँ से आ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? सही बात है। धीरू, इन सबको वांटेड भेज दिया क्या तुमने? ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। किस किस को वांटेड भेजा तूने? मिस्टर वांटेड है ना, वो धीरू भैया के पास है।
अरे धीरू भैया, हमें पता है वांटेड आपके पास है। कितने में दोगे? 3 लाख रुपए आज शाम को आपने हमें दे दिए ना, सुबह कल आके चौपाल से मिस्टर वांटेड हमसे ले लेना। आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेंगे भाभी। अरे धीरू, 3 लाख क्या, 3,25,000 रुपए मिस्टर वांटेड के लिए हम देने को तैयार हैं। फिर तो समझो भाभी, मिस्टर वांटेड हम आपको कल होम डिलीवरी कर देंगे। समझे, डील पक्की? बिल्कुल डील पक्की। अरे मिस्टर वांटेड हमने नहीं बेचा, मिस्टर वांटेड ने खुद को अपने आप को हमसे बिकवाया। काले चोर छोड़ेंगे नहीं, पूरे 2 लाख रुपए दिए हैं तुम्हें। 70,000 रुपए दिए हैं, वांटेड तो मैं लेके ही रहूंगा। 1.5 लाख तो मैंने भी दिए हैं। 45,000 तो मैंने भी दिया है। 50,000 तो मैंने भी दिया है धीरू। हमने तो 15,000 दिया है, हमारा भी हक बनता है वांटेड पे। अरे भैया हमारी दुविधा तो सुन लो, जिस टाइम हम तुम लोगों से डील कर रहे थे, एक आदमी हमारे पीछे खड़ा था कम्बल ओढ़ के, खड़ा था या नहीं, याद है आपको या नहीं? मैं यहाँ लूटने नहीं आया था, मैं तो मर्डर करने आया था। तुम सब के सब लोग स्वार्थी हो, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। मुझे सब पता है कि मेरे बारे में गांव में क्या क्या बातें होती हैं। कोई कहता है 200 मारे, कोई कहता 300 मारे, ससुरी का कोई कहता 400 मारे। मैं बताता हूँ असली आंकड़ा क्या है। मैंने 576 मर्डर किए हैं, 576। मुझे तो अपनी जिंदगी में 1,000 का आंकड़ा पूरा करना है, और वो भी इसी गांव से। भला उस लड़के का जिसकी वजह से आप सबको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे गांव में चला जाऊंगा, वहां पूरा कर लूंगा। लेकिन यहाँ आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इज्जत का सवाल है, इसलिए एक ही झटके में पूरे गांव को लूट लिया, डंके की चोट पे, बंदूक की नोक पे। जय भवानी, जय भवानी। आइए चलो। धीरू की वजह से हमारी जान बच गई। और अरे पैसा ही तो गया, शुक्र है धीरू ने जान तो बचा ली, पैसा तो फिर आ जाएगा। शुक्र करो पूरे गांव का एक साथ मर्डर नहीं हुआ, हम सब गांव वालों को धीरू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलो चलो धीरू भैया की, धीरू भैया की, धीरू भैया की, धीरू भैया की। आप लोग यही सोच रहे हैं ना, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। असल में हमारी स्टोरी का एक सीन डायरेक्टर साहब ने छुपा के रखा था सस्पेंस बोल के, अब वो टाइम आ गया है सस्पेंस खोलने का, तो घुमा दे तेरी। मिस्टर वांटेड, तुम्हें इस बुढ़ापे में मेरे साथ 2-4 हाथ करना है या प्यार से मेरे साथ थाने चलना है? बेटा, मुझे थाने में जमा करवाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मतलब? तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम, ये सारा गांव मुझे मिस्टर वांटेड समझता है, लेकिन मैं मिस्टर वांटेड नहीं हूँ। क्या? ना ही मैं ज्वाला सिंह हूं, मैं तो रमाकांत कुम्हार हूं, एक अभागा बदकिस्मत इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, ना पैसे है, ना रिश्ते हैं, बस एक बेटी है जो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है।
तुम्हें पता नहीं जिंदा होगी कि नहीं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ। मैंने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी और मैं पागल अपने बेटी की आंखों में कभी उसका दर्द महसूस नहीं कर पाया। एक दिन मुझे खबर मिली, उन दरिंदों ने मेरे फूल सी बेटी को खिला के मारने की कोशिश की, उसके ससुराल वाले दरिंदे थे। मैं हॉस्पिटल में उसको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा था। मेरे पास उसे बचाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं पागल सा हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं वहां से उठा और चल दिया। मुझे नहीं मालूम था मैं कहां जा रहा हूं, और चलते चलते यहां आ गया। मैं वो नहीं हूं जो सब समझते हैं, लेकिन मैं वो हो सकता हूं जो सारे समझते हैं। मिस्टर वांटेड, मुझे मेरी बेटी की जिंदगी के लिए रुपयों की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, करोगे ना? बापू, तूने हमसे एक बात कही थी कि तुझे बीवी चाहिए या बाप। अब तू हमारी भी एक बात सुन ले, तुझे बेटा चाहिए या दहेज। सो फाइनली धीरू और माया की शादी हो ही गई और साथ ही साथ इस गांव में शांति भी लौट आई। और उधर मिस्टर वांटेड की बेटी का गांव वालों के पैसों से इलाज भी हो गया। इसे ही तो कहते हैं हैप्पी एंडिंग। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। हजारों लड़कों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। लग दी गए मुझे हॉट, लव तो गए श्योर शॉट, अपनी लव स्टोरी को डायरेक्ट किया रे। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। हजार